इस साइड में केवल एक्साइड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु कोई स्टिकर नहीं है। इसके ऊपर भी कहीं पर इसकी सी रेटिंग या इसके एम्पियर शो नहीं किए गए। केवल साइड में जो स्टिकर दिया गया है इस पर इनोवा प्लस 1500 लिखा हुआ है। विक्रेता को भी यह नहीं पता चलता कि यह बैटरी कितने एम्पियर की है, तो वह कस्टमर को क्या बताएगा। केवल यह 1500 लिखा होने से विक्रेता कस्टमर को 150 CH की कहकर बेच देता है। इसका पूरा ऑपरेशन करके हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कितनी प्लेट है, प्लेट का साइज क्या है और इसकी प्लेटेड ट्यूबलर हैं या नॉन ट्यूबलर हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे ऑपरेशन थिएटर पर एक्साइड कंपनी की यह एक बैटरी है जिसको ऑपरेट करके इसकी एक्चुअल स्थिति हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत सारे व्यूवर के कमेंट आए कि एक्साइड कंपनी की इनोवा प्लस, इनोवा ट्यूबलर और भी कई सारे मॉडलों की रिक्वेस्ट आई ऑपरेट करने के लिए। तो आज जो बैटरी हमारे पास है यह एक्साइड कंपनी की इनोवा प्लस इन्वर्टर बैटरी है। 24 मंथ की इसकी वारंटी है। मॉडल नंबर इनोवा प्लस 1500 इसका है। बैटरी के ऊपर कहीं भी इसके एम्पियर और इसकी सी रेटिंग मेंशन नहीं की गई है और न ही बैटरी पर लिखा गया कि यह ट्यूबलर बैटरी है या नॉन ट्यूबलर बैटरी है, 150 CH की है या कम है या ज़्यादा है, C10 रेटिंग की है या C20 रेटिंग की है, कुछ भी इस बैटरी के संबंध में नहीं कहा जा सकता। पता नहीं क्या बताकर विक्रेता इस बैटरी को सेल करते होंगे। और दोस्तों, आज इसका ऑपरेशन करके हम वो बात भी बताने वाले हैं जो आपको कंपनी की वेबसाइट पर भी नहीं मिलेंगी। इससे पहले जो लुमिनस की बैटरी का ऑपरेशन हमने करके आपको दिखाया था, जिस पर आप लोगों के लाइक और कमेंट के कारण लुमिनस कंपनी के बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे सेल्समैन की पृष्ठभूमि हिलने लगी और हमें फ़ोन पर फ़ोन, कमेंट पर कमेंट आने लगे और हमारे ऊपर दबाव आने लगा। चैनल पर स्ट्राइक आने तक की नौबत आ गई थी, जिस कारण दोस्तों हमें उस वीडियो का कुछ पार्ट काटना पड़ा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो से कुछ धुरंधरों पर असर पड़ता है और वो इस चैनल पर स्ट्राइक डलवा सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से आग्रह करूंगा कि आपका और हमारा यह रिश्ता कभी समाप्त ना हो, तो इसीलिए हमने एक दूसरा चैनल अरविंद के टैक के नाम से भी बना रखा है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बिना देरी किए इस बैटरी का एक सेल भाई चंदन की मदद लेते हुए कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। मैं चंदन को मार्क करके दे रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसमें टोटल 14 प्लेट हैं, ट्यूबलर प्लेट नहीं है, नॉर्मल प्लेट हैं। तो जहां कभी आप सुना करते थे कि एक इन्वर्टर की बैटरी 25 प्लेट की होती थी, वह भी नॉर्मल प्लेट होती थी और यह भी नॉर्मल प्लेट है, यह 14 प्लेट है। तो यह बैटरी 150 CH की होगी, यह तो कहना एक तरीके से मुनासिब नहीं होगा। 14 प्लेट हैं और साइडों में प्लेट को फिक्स करने के लिए यह पैकिंग इसमें लगाई गई है। एक पैकिंग इस साइड में है और एक दूसरी पैकिंग हमें दूसरी साइड में दिखाई दे रही है। यह साइड में बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है। स्थिति आप इसकी देख ही रहे हैं, बिल्कुल यह बेकार हो चुकी है और टूट टूट के नीचे गिर रही है। जब बैटरी की यह स्थिति हो जाती है कि उसकी प्लेटों का केमिकल उसकी तली में बैठ जाता है, तब वह बैटरी की प्लेटों को शॉर्ट कर देता है और इस प्रकार तली से या सेपरेटर से जब भी बैटरी की प्लेटें शॉर्ट होने लगती हैं, तब वह बैटरी हमारी इलेक्ट्रिक कंजप्शन को बढ़ा देती है, यानी हमारे बिजली के बिल को बढ़ाने लगती है। तो इसलिए यूजर ध्यान रखें कि बैटरी की स्थिति जब बहुत खराब हो जाती है तब उसको यूज करना बंद कर देना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, प्लेट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यह इसका पॉजिटिव टर्मिनल था और यह इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई थी, इसका मतलब यह पॉजिटिव प्लेट थी और इसकी नेगेटिव प्लेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट के ऊपर वही पॉलीथीन का बैग इसमें भी लगा हुआ है। यह पॉलीथीन का बैग प्लेट को सपोर्ट भी रखता है और सेपरेटर का भी कार्य करता है। यह देखिए दोस्तों, यह इसकी नेगेटिव प्लेट है। बैटरी के एम्पियर बनाने में
प्लेट का क्षेत्रफल और उसकी थिकनेस का ही महत्व होता है। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, प्लेट के एम्पियर भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होते हैं। तो 7 पॉजिटिव प्लेट आप यहाँ पर देख रहे हैं और 7 ही इसमें नेगेटिव प्लेट हैं। जैसा कि दोस्तों इसको हम थोड़ा सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसकी थिकनेस यानी इसका आयतन निकालने की कोशिश हम करेंगे। दोस्तों इस बैटरी की यदि फुल हाइट देखी जाए तो फुल हाइट इसकी 11 इंच हो रही है, 280 mm, और यदि प्लेट की हाइट देखी जाए तो प्लेट की हाइट मात्र 5.5 इंच से भी कम हो रही है, 135 mm इसकी हाइट हो रही है प्लेट की। बैटरी की हाइट 280 mm और प्लेट की हाइट 135 mm हो रही है। तो मुझे लगता है कि बैटरी की यह जो एक्स्ट्रा हाइट दी गई है यह केवल दिखाने के लिए है। प्लेट की हाइट 135 mm हो रही है और चौड़ाई 140 mm हो रही है, और यदि इसकी थिकनेस की बात करूं तो 1 से 1.5 mm इसकी थिकनेस प्लेट की हो रही है। कंपनी कोई भी हो, अपनी बैटरी की आंतरिक डिटेल बाहर अवश्य लिखनी चाहिए। बैटरी में प्लेट कैसी है, ट्यूबलर है, नॉन ट्यूबलर है, बैटरी सोलर है, नॉन सोलर है, कितनी प्लेटें उसके अंदर हैं, प्लेटों का साइज क्या है, यह सभी कुछ मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे यूजर को अपनी बैटरी की डिटेल पता चले और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वह उसी के अनुसार बैटरी को परचेज करे। तो जिन उपभोक्ताओं को केवल 100 एम्पीयर तक की बैटरी की रिक्वायरमेंट है वह इस बैटरी को ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे वर्क से संतुष्ट हैं तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कॉमेंट जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी बैटरियों का ऑपरेशन करना बाकी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।